आज एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जो मीन से जुड़ा हुआ है। हमने एक शब्द सुना है इंतकाल, सुना है ना, लेकिन आज से पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो इंतकाल के लिए आदमी लगा रहता था और सालों साल लगा रहता था, इंतकाल हो नहीं पाता था और उस आदमी का इंतकाल हो जाता था। इंतकाल का डबल मतलब तो इसलिए वो आदमी का इंतकाल ना हो तो जो पहले वाला इंतकाल है जमीन का इंतकाल वो कैसे हम ठीक से कर सकें। हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ी घोषणा हमने 2019 में की थी और वो घोषणा थी कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन करने की सेवा शुरू करेंगे। ये हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने किया था और उस अनुसार आज हमने एक नई व्यवस्था आपको देने के लिए, आपके माध्यम से जनता को देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी को किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल जड़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा, मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी दिखेगा वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा, उसमें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे व्यवस्था परिवर्तन के हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं आज तक के जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतजार थी, चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, तो उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है और इसका एक पोर्टल हमने बनाया है। उस पोर्टल को क्या लॉन्च करना है, इस पोर्टल का हम अभी ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ म्यूटेशन इन वेब हेल्थ इज बाय सो एंड सो, तो एक विषय तो ये आपके सामने रखना था। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके बारे में वैसे प्रस्तुतिकरण भी है। चलिए पहले वो करें, ठीक है ठीक है, एक मिनट से अधिक नहीं, हाँ हाँ, बीच का बटन दबाते जाएंगे तो स्लाइड बढ़ती जाएगी, आप करिए इसको। हाँ, तो ये सब चार तरह की रजिस्ट्रियां आज होती हैं, सेल, गिफ्ट या रहन जिसको कहते हैं मॉर्गेज विद पोजेशन या फैमिली ट्रांसफर जो पारिवारिक एक्सचेंज होता है, तो इन चारों को वेब हेलरिस पे ही आपको जानते हैं रजिस्ट्री होती है। तो जैसे मुख्यमंत्री ने बटन दबाया है, इसके बाद से जैसे ही रजिस्ट्री होगी अगले ही क्षण ऑटोमेटिकली म्यूटेशन जनरेट हो जाएगा और जो रजिस्ट्री के आंकड़े हैं कौन किसने किसको बेचा कितना बेचा वो आ जाएगा। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सारा डेटा जो है पब्लिक को इस प्रकार से दिख जाएगा, यानी रजिस्ट्री होने के 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये इंतकाल जिसको हम कहते हैं पड़त पटवार जो उसकी है ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है। और इस पे आपत्ति करने के लिए आगे बटन बनाए गए हैं वो जो है म्यूटेशन जनरेट होने के बाद, ये आपने देखा इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन, तो अगर ऑब्जेक्शन होगा तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 10 दिन में एक भी ऑब्जेक्शन आ गया तो इंतकाल कंटेस्टेड या मुतनाजा इंतकाल हो जाएगा जो एसटीएम को चला जाएगा, और नहीं आया तो वो सीआरओ द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा। और ऑब्जेक्शन जो करेगा वो पीडीएफ कॉपी चाहे 100 पेज की लगा दे चाहे 200 पेज की कि मेरे पास ये निर्णय है ये अदालत का फैसला है, वो उसको हर तरह की सुविधा उसमें ऑब्जेक्शन करने की है। तो ये हो ही गया कि या एक्सेप्ट या रिजेक्ट। धन्यवाद। हिंदी में वो शुरू में चॉइस है, आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं जमाबंदी वाला जो पोर्टल है, हिंदी इंग्लिश जो उसमें आप चाहें उसमें देख सकते हैं।
सर ये कोर्ट की डिग्री वाले जो ऑर्डर कोर्ट की डिग्री के आधार पे नहीं, ये सिर्फ वो हैं जो सेल मॉर्टगेज या ट्रांसफर फैमिली ट्रांसफर और या गिफ्ट, क्योंकि डिग्री के पास बाद तो रेवेन्यू को अपना काम करना होता है। डिग्री जब होती है तो फिर रेवेन्यू उसको एक्सेप्ट करके उसकी फर्दर प्रक्रिया वो करते हैं, उसके बाद ये लागू होगा जी। ऐसा ही एक दूसरा जो व्यवस्था हमने बनाई है कि जो रजिस्ट्रियां हैं वो सब तहसीलों में होती हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार वो सब करते हैं। अब से व्यवस्था की गई है कि सभी एसडीएम जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है और सभी डीआरओस जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है, डीआरओस हमें होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, एसडीएम सब डिविजन हेडक्वार्टर पर होते हैं, तो डीआरओस का जो हेडक्वार्टर है उस तहसील की रजिस्ट्रियां अब तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी कर सकेंगे, यानी केवल तहसीलदार के पास ही जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके तहसील में यदि एसडीएम है तो वहां जाके करा सकते हैं, अगर डीआरओ है तो वहां जाके करा सकते हैं। हां, कुछ समय के बाद हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि इन स्थानों पर चाहे वो सब तहसील नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीआरओ हो और चाहे कोई भी एसडीएम हो, इनके ऑफिस में व्यवस्था करने के बाद हम पूरे जिले की रजिस्ट्री किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे। अभी तो तहसील के अंदर की करा सकेंगे, फिर पूरे जिले की करा सकेंगे, बहुत जल्दी उसका भी हम सिस्टम बना करके और आपको आपके माध्यम से हमारे लोगों को हम बताएंगे। डीआरओ और एसडीएम कब से शुरू कर रहे हैं? ये तो शुरू समझो क्या हो गया, आज से, कल आपको नोटिफिकेशन हुई है सर? हाँ, आज से शुरू है। हाँ, कल नोटिफिकेशन हो चुका है तो आज से समझो सोमवार से। हाँ, तो वो जो बीच में कुछ टाइम उनको व्यवस्था करने का कंप्यूटर वाला को जरूरी होता है, सोमवार से ये शुरू हो जाएगा। हाँ, वही जहाँ कराएगा वही, यानी तहसीलदार की सारी पावर्स जो हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो हैं वो सभी अब डीआरओ को और एसडीएम को दे दी गई, उसको भी एक प्रकार का, हाँ तहसीलदार एक प्रकार का, वो भी सब रजिस्ट्रार की उसकी जो पावर्स हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध की वो सारी उसको हो गई, तो जो तहसीलदार करता है वो करेगा। हाँ, यानी एक प्रकार से वो तहसीलदार की और भी पावर्स होती हैं, केवल सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन की जो पावर उसको मिली है, फुल फ्लेज तहसीलदार तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन की पावर्स ये अब एसडीएम को और डीआरओ को भी दे दी गई। जैसे इन्होंने बताया वही मंडे तक व्यवस्था वेब हेलरी सिस्टम वो सब बन जाएगी, लेता है तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार वो चूज कर सकते। अरे व्यवस्थाएं बटन एसडीएम और व्यवस्थाएं ऐसी बना देंगे कि टाइम लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, सीधा जाओ रजिस्ट्री करा के आ जाओ। आखिर ये तो पुराने विषय है कि लाइन लगा के टाइम लो, फिर कोई करंट में कराओ, कोई वो क्या उसको बोलते हैं पैसे स्पेशल दे के क्या तत्काल में कराओ, कुछ और कराओ। धीरे धीरे देखिए कोई जमाने चले गए, उन जमानों में वो जमाने भी थे जब आपको किसी समय के लिए बुक कराने के लिए एक महीना पहले गैस सिलेंडर बुक कराना पड़ता था। अब गैस सिलेंडर लोग कहते ले लो गैस सिलेंडर ले लो, गैस वाला आया तो चीजें हैं, चीजें धीरे धीरे अब युग भी बदल रहे हैं, व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं। जनता की तकलीफ दूर करना ये हमारा काम, कोई तकलीफ हो रही है हमारे पास लाओ, यथा समय जितना लगना हो लगेगा ही, लेकिन उसकी तकलीफ दूर करना ये हमारा काम है, हमको जनता इसीलिए चुनती है। एक तीसरी एक अनाउंसमेंट जिसकी उत्सुकता आपको पहले भी थी, आपने पूछा भी था, मैंने उसका मंगाया था जल्दी इसका उत्तर हम देंगे, और वो व्यवस्था ये है कि जो अनमैरिड लोग हैं चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सून एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45 उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रूपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रूपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो 45 से 60 की 2750 रूपये की पेंशन उनको मिला करेगी। ये डिमांड वैसे तो बहुत पुरानी है, हमारे एक एमएलए विधानसभा में भी कई बार कहा करते थे पिछले टर्म में, तो उस समय वो अगला विषय वो भी करता हूं।
वो भी करता हूं। अभी तो एक कैटेगरी है अनमैरिड की। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो विदुर क्या बोलते हैं, विदुर विडोवर, विधवा महिला होती है, विदुर पुरुष होता है। तो जो पुरुष जो विदुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया और उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रूपये की दर से पेंशन मिला करेगी। डिमांड ये थी, लेकिन दूसरी भी आ गई थी, वो पिछले कुछ हफ्ते लागू कर रही है, ये अनाउंस होगी तो लागू हो गई। नोटिफिकेशन आज अगर अनाउंस किया है तो अनाउंसमेंट सीएम की होती है, तो जुलाई की पैसे उनको मिलेगी। हाँ, तो के नोटिफिकेशन करके जुलाई से ही दे सकते हैं, नोटिफिकेशन के कैबिनेट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हो जाएगी, लेकिन हम 1 जुलाई से इसको लागू कर देंगे, चाहे उसको पोस्ट फैक्टो भी लेना पड़ेगा। संख्या हाँ वो तो मिलेगी, वो तो उसके बाद बुढ़ापा ही मिलेगी। जैसे कल हमने बताया था कि जो विधवा है उस पेंशन का नाम फिर बुढ़ापा पेंशन हो जाएगा, तो इनकी भी 60 साल का बुढ़ापा हो जाएगी। दोनों नहीं भाई, 40 से 60 ये है, 60 के बाद वो है। एक मिनट, बाद में लेंगे। संख्या इसकी बता रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ। कुल मिलाकर के इन दोनों वर्गों में 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा, जो रफली 20 करोड़ रुपया मासिक, अर्थात 240 करोड़ रुपया साल का, ये सरकार के एक्सेप्टर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, उसमें लगभग 65,000 के आसपास तो अविवाहित हैं पुरुष और महिलाएं, 45 से 60, 180 से नीचे, और 5,700 ये हैं विदुर पुरुष 40 से 60, जिनकी आय 3 लाख से नीचे है। 5,687 आज हमारे पास जो परिवार पहचान पत्र का डाटा इस समय है। इसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो अनवेरिफाइड हैं, ज्यादा नहीं है, कोई 200-250 ऐसे हैं जिनके वेरिफिकेशन होने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। एक इसी के साथ हमारे जो अनुसूचित समाज के लोग हैं, कल वो आए थे, 2017 में एक आंदोलन किया था उन्होंने, किसी एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध उनका आंदोलन था, देशव्यापी किया था, हरियाणा में भी उनके खिलाफ कुछ मुकदमे हो गए थे, 54 मुकदमे थे, सैकड़ों लोग उसमें नामजद थे, कुछ गिरफ्तार हुए, बाद में बेल पर छूटे हैं, कुछ गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, लेकिन नामजद वो हैं। तो ऐसे हमने फैसला किया कि सभी 54 मुकदमे, बशर्ते कोई बहुत सीरियस ना हो, तो जो लीगल जो भी एक प्रोसेस रहती है उसके हिसाब से उनको वापस लेने का ये निर्णय किया है। 54 हैं और नामजद तो कितने हैं पता नहीं, लेकिन 117 लोग ऐसे थे जो गिरफ्तार हुए थे और जिनकी बेल हुई थी। आज के प्रमुख विषय तो यही थे। बाकी हमने कैबिनेट के विषय सब आपको बता ही दिए थे। सर, ये जो ये अनमैरिड हैं और ये विधवा, इनको पेंशन लेने के पीछे वजह मतलब क्या, सामने क्या आया मतलब क्या डिमांड? देखिए, सामान्यतः ध्यान में आता है कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो अविवाहित व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा उसके मान सम्मान को बड़े होने पर थोड़ा फेस सी लगने लग जाती है। वो लोग कहते भी हैं कि अब हमको लोग जो है ना दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए हमारा मान सम्मान बढ़ना चाहिए। तो मान सम्मान में एक ही छोटा प्रकार है, कोई हम एकदम कोई उनकी वैसी स्थिति तो नहीं ला सकते जैसी वो चाहते होंगे, लेकिन ये सब होने के बाद कोई उसकी आवश्यकताएं हैं परिवार की, तो वो यानी अपनी कोई आवश्यकता है तो वो उसकी पूरी हो सकती है। परिवार तो उसने बनाया ही नहीं है, तो उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। किसी को छोटा मोटा मानो बहन है, कोई और है, किसी को लेना देना, वो अपना कर सकता है। तो कुल मिलाकर के आय जिसकी बहुत कम है उसको एक सम्मानजनक तरीके से अपने जीवन जीने में कुछ सहयोग हो जाए, ये हमने किया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है, केवल इतना ही था, कुछ लोगों ने अविवाहित होने के नाते से सिंगल मेंबर फैमिली का एक अपना फार्म भरना शुरू कर दिया था कि हम ही अकेले,
अब थोड़े बहुत लालच होते हैं उनके कि अलग से हमको WI का फायदा मिल जाएगा, अलग से हमको आयुष्मान का कार्ड का फायदा मिल जाएगा, तो ऐसे कुछ लाभ होते हैं। हमने यह तय किया कि हम उसकी वेरिएशन करेंगे। अगर वो परिवार के साथ रहता है तो जिस परिवार में रहता है उसी के साथ उसकी फैमिली आईडी बनेगी, अलग से केवल इसलिए कि मैं अविवाहित हूं इसलिए नहीं बनेगी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।